पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ताजपुर मार्ग पर रसूलपुर नगला क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बारात घर को ध्वस्त करने पहुंची एमडीए की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें एमडीए का एक जेई मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने लाठी फटकार कर आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर और पुलिस बल पहुंच गया, जिसके बाद टीम ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। थाना भोजपुर क्षेत्र के रसूलपुर नगला क्षेत्र में ताजपुर जामा मस्जिद जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे कंजरी सराय निवासी आशिक ने बारात घर बनवाया है। कोरोना काल के बाद से बारात घर का व्यवसाय ठंडा पड़ जाने के बाद से वो इसमें लोगों के वाहनों की पार्किंग करने लगा था। बृहस्पतिवार को दोपहर एमडीए की टीम दो जेसीबी और भोजपुर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। भवन में उस समय 12 वाहन पार्किंग में खड़े थे। टीम ने सबसे पहले वहां खड़े वाहनों को बाहर निकलवाया। सूचना पर भवन स्वामी आशिक मौके पर पहुंचे, फिर वीसी और कमिश्नर कार्यालय की दौड़ लगाई। इस बीच मौके पर पहुंची टीम ने बारात घर के भवन को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कार्रवाई के विरोध में टीम पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था। इससे जेसीबी का शीशा टूट गया, साथ ही मौके पर मौजूद जेई केएन जगुड़ी के पैर में भी ईंट लगने से वो घायल हो गए थे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार मुरादाबाद और गजरौला में अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रतिदिन ही की जा रही है। कल का विशेष आप पूछ रहे हैं तो वो मोहम्मद शारिक को ही हैं। उन्होंने ताजपुर रोड थाना भोजपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें उन्होंने बिना नक्शा पास कराए उन्होंने बिल्डिंग बना ली, जो कि उसमें पार्टली कमर्शियल था, पार्टली रेजिडेंशियल था। उनको 2016 से इसमें कार्रवाई चल रही थी। ना तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर दिया, ना उन्होंने कंपाउंडिंग मैप प्रस्तुत किया जिससे उनकी बिल्डिंग का कंपाउंडिंग किया जा सकता। पूर्णतः वो बिल्डिंग बाइलाइज में बिल्कुल अवैध थी और नियमानुसार उनको नोटिस दी गई, सुनवाई का अवसर दिया गया। उसके बाद में डिमोलिशन आर्डर जारी करने के 30 दिन फिर टाइम दिया गया अपील करने का। वो अपील में भी नहीं गए और कोई स्टे भी नहीं ला पाए। 30 दिन बीतने के बाद में फिर एमडीए ने उसको ध्वस्त कराया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।